अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को जीमेल क्रिएट करने के पांच ऐसे तरीके बताने वाला हूं, जिसमें आपको ना ही मोबाइल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही रिकवरी ईमेल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना चाहें ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। हर वीडियो में आपको एक तरीका मिलता होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको पाँच तरीके मिलते हैं कि अगर आपको एक तरीका अच्छा नहीं लगता आप दूसरे तरीके पर चले जाएँ, अगर वो आपको अच्छा तरीका नहीं लगता या आपको पहले से पता है तो आप नेक्स्ट तरीके पर चले जाएँ। इसी तरह करके आप अपनी मर्ज़ी के तरीके तक पहुंच सकते हैं। जितना आप जो आपको अच्छा लगे तो अब आप उसके ज़रिए अपनी जीमेल जनरेट कर सकते हैं, वो भी बगैर मोबाइल नंबर के, बगैर फ़ोन वेरिफिकेशन के, बगैर रिकवरी ईमेल के। इसके अलावा आप जितना चाहें जीमेल क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप बेशक वो सीपीएम वर्क के लिए करना चाहते हैं, चाहे आप एड्स टेरा के लिए करना चाहते हैं, या आप यूट्यूब चैनल बना के लोगों को सब्सक्राइबर की सर्विस देना चाहते हैं, या अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, या किसी भी मकसद के लिए आप जनरेट करना चाहते हैं, तो बगैर मोबाइल वेरिफिकेशन के, बगैर जीमेल वेरिफिकेशन के, बगैर रिकवरी ईमेल के आप जितना चाहें ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। आज आपको पांच तरीके बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें और ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को जल्द से शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ये पांच तरीके हैं। जब कोई मैं तरीके बताता हूँ, अगर आपको उस तरीके का पता है तो वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना। आगे एक नया तरीका होगा, फिर नया तरीका होगा, फिर नया तरीका होगा। इसमें काफ़ी कुछ आपको, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया होगा। ठीक है, लाजमी नहीं कि जो मैं कुछ तरीके बताऊँ आपने कि इस तरीके का तो मुझे पहले से पता है, तो मैं इसलिए पांच तरीके बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ। आपने अपने आ जाना है ब्राउज़र के अंदर, चाहे आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं। मैं आ गया क्रोम के अंदर। यहाँ पे आपने अपने आइकन पे क्लिक करना है, आपने पहले जो भी जीमेल क्रिएट की होगी। तो आपके सामने आएगा ये ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और फॉर माई पर्सनल यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने नाम, लास्ट टाइम और यूज़र नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड वगैरह देने के बाद आपने करना है इसको नेक्स्ट। तो अभी देखें, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर जो है वो ऑप्शनल मांग रहा है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप मोबाइल नंबर ना दें। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको रोक देना है। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ दें, इसमें आपने कुछ लिखना। अभी नीचे देखें, रिकवरी ईमेल ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो तब भी आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप ना दें, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये होता है कि मोबाइल हर दफा जो है वो मोबाइल वेरिफिकेशन मांगता है, वो कहते हैं जी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लाजमी दें, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल है। आपने फिर क्या करना है, एक और टैब खोल लेना। यहाँ पर क्लिक किया, एक और टैब खोल गया। आपने दोबारा इसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे आ रहा है ऐड अनदर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ, इसके बाद आपने सेम वही प्रोसेस पहले वाला, यहाँ पे नाम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करना है। मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। ये डिटेल मैंने डाल दी है। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। आपके सामने ये देखें, अभी फिर ये मोबाइल नंबर ऑप्शनल कह रहा है, मतलब कि लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दें। रिकवरी ईमेल भी यहाँ पे ऑप्शनल है। आप इस तरीके से जितना अकाउंट बनाते जाएंगे तो ये ऑप्शनल का ऑप्शन आता रहेगा। आपने इससे आगे नहीं चलना, आपने यहाँ पे आके रोक देना है। फिर एक नया आपने नया टैब करना है ओपन, उसमें फिर जाके आपने इसी तरह बनाना है। अभी देखें, ये मैंने लिखा है जी टेक्निकल चौहान 05। ठीक है, ये वाला देखें, एक मैंने ये क्रिएट किया है। उसके बाद देखें, ये टेक्निकल चौहान 7 है। ठीक है, इसी तरह देखें, ये टेक्निकल चौहान 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर आके इसको छोड़ते जाएंगे, जहाँ पे ये ऑप्शनल का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। मतलब कि तीन मैंने क्रिएट कर ली हैं। इसके बाद नया टैब खोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर ये ऐड अकाउंट, ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे दोबारा क्लिक करें। यहाँ पे सेम वही क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, फॉर माई सेल्फ, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, मतलब कि जो आपने जीमेल रखनी है। यहाँ पर पासवर्ड लिख लें, मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा टेक्निकल चौहान 9, ये सब में चेंज है। इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर देखें, ये फिर मांग रहा है जी मोबाइल नंबर ऑप्शनल, मतलब कि आपकी मर्ज़ी है, अगर देना चाहें तो आप दे दें, अगर ना देना चाहें
तो आपकी मर्ज़ी है, लाजमी नहीं है, मतलब कि मोबाइल दें नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आपसे मोबाइल कन्फर्म नहीं मांगेगा। इसी तरह रिकवरी ईमेल भी आपसे नहीं मांगेगा, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आपकी मर्ज़ी है दें, अगर नहीं देना चाहते तो हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह करके आपने जितने जीमेल क्रिएट करनी है इसी तरह आपने यहाँ तक आके रोक देनी है। जिस तरह देखे ये क्रिएट किया मैंने, दूसरी ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये मैंने चार खुली हुई हैं। आप जितना जीमेल क्रिएट करना चाहें यहाँ तक आके आपने रोक देना है, इससे आगे आपने प्रोसेस नहीं करना। फिर आप नया टैब खोलें, हर बार नया टैब खोलने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और दोबारा इसका प्रोसेस वहाँ तक जाकर रोक दें जहाँ तक मैंने आपको ये वाला बताया हुआ है, यहाँ तक। ठीक है, अभी आपने जितनी जीमेल क्रिएट करनी है, 100 करनी है, 50 करनी है, 200 करनी है, जितने भी आपने क्रिएट करनी है यहाँ तक आप जाके छोड़ दे जाएंगे। ठीक है, जब आप उतना टैब क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने इसको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। मिसाल तौर पर मैंने 50 खोल लिए हैं यहाँ तक है। आप जब तक यहाँ तक प्रोसेस करते रहेंगे ना तो आपसे ये ऑप्शनल ही रहेगा। जब आप कोई एक जीमेल क्रिएट मुकम्मल कर लेंगे दो तीन, तो फिर आपसे कहेगा जी मोबाइल नंबर दो, यहाँ पर रिकवरी ईमेल दो। आपने यहाँ तक इसको रोक दिया, इससे आगे आप ना बढ़ें। आपने जितना टैब खोलना है, जितना जीमेल खोलनी है उतने टैब खोल लें। ठीक हो गया, अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता। ठीक है, मोबाइल नंबर आपके सामने कुछ नहीं देता, नीचे आता हूँ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, मैं रैंडमली कोई डाल देता हूँ, यहाँ पे कोई डाल देता हूँ, यहाँ पे कोई 2001 कर देता हूँ, जेंडर को मैं मेल को क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये मोबाइल नंबर नहीं मांगेगा, देखिए मोबाइल नंबर इसने नहीं मांगा। आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जीमेल जो है वो क्रिएट हो गया है आपके सामने, कोई मोबाइल नंबर इसने नहीं मांगा। ये देखें क्रिएट हो गया है, यहाँ पे क्लिक करके देखें तो ये देखें चौहान टेक्निकल 8। ठीक है, पहले वाले पे जाते हैं, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ करके दिखाता हूँ, कोई वैसे रैंडमली डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे जेंडर और नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर नहीं मांगेगा क्योंकि ऑप्शनल है। देखा है, आई एग्री, कोई मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें लॉगिन हो गया है, कोई मोबाइल नंबर आपके सामने मैंने नहीं दिया, ये जो है टेक्निकल 7 है। ठीक है, इसी तरह पहले वाले पे आते हैं, यहाँ पर भी मैं इसी तरह कोई मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने मेल, कोई मैंने आपके सामने मोबाइल नंबर नहीं डाला ऊपर। तो इस तरह करके आप जितना भी जीमेल क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ तक आके अपने प्रोसेस को छोड़ दें, यहाँ पर यहाँ तक प्रोसेस को छोड़ दें, फिर एक नया टैब खोलें, उसमें ये सारी आप डिटेल फिलअप करें, फिर नया टैब खोलें, यहाँ तक आके रोक लें। जब आप उतना टैब खोल लेते हैं कि मैंने इतना जीमेल क्रिएट करनी है, तो उसके बाद इसमें जो फर्दर डिटेल है वो फिलअप करते जाएं तो आपसे मोबाइल नंबर, रिकवरी ईमेल नंबर कुछ भी नहीं मांगेगा, देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं देता आपके सामने, देख 04 मार्च कोई मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। देखें यहाँ पे मेल नेक्स्ट करूँ, रुक नेक्स्ट करूँगा तो मेरी जीमेल बन जाएगी, कोई मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा। तो ये तरीका है, पहला मेथड है जीमेल क्रिएट करने का, इससे आप अनलिमिटेड जीमेल क्रिएट कर सकते हैं बगैर रिकवरी ईमेल के, बगैर फ़ोन वेरिफिकेशन के, बगैर मोबाइल नंबर के। तो चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ, वो मैं आपको मोबाइल से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है अपने जीमेल पे, जीमेल को खोल लेना है, ये जो आपका कोने में आइकन नज़र आ रहा है इस आइकन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड अनदर अकाउंट, आपने ये गूगल का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपसे ईमेल पर मांगेगा। ठीक है, आपने इसको छोड़ देना है, आपने क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन, ये वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको माई सेल्फ कर लेंगे। इसके बाद आपने कोई रैंडमली जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहते हैं, मैं कोई ऐसी मैं ताहिर लिख देता हूँ, ताहिर नदीम सैयद, ऐसे कोई रैंडमली कोई ना कोई दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्लिक करना है। ये जो हम नॉर्मल एक ईमेल बनाते हैं ये वो तरीका है, इसमें एक हमने एक ट्रिक यूज़ करनी है कि जो भी मैं तरीके बताऊँगा हर तरीके में एक नई चीज़ आपको सीखने में मिलेगी। यहाँ पर आपने अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ से आ गई भाई, 18 हो गई, वैसे कोई आपने इसमें कोई रैंडमली कोने को डाल देनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल से ज़्यादा होता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे आके जो ट्रिक है वो यहाँ पे लगेगी, इसको करना है आपने मिनिमाइज, आपने आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है INSPADDR,
यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने ये वाली ऐप ओपन होगी। ठीक है, इसका नाम देख लें, INSAADR। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने क्योंकि डाउनलोड की हुई है तो मैं ओपन को क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अगर इस तरह का ऑप्शन ना आए, अगर आपके पास खाली स्क्रीन आती है तो आपने खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देखें आपको नीचे ये कुछ जीमेल आ रही हैं, आपकी ईमेल आ रही हैं। वो कह रहे हैं इनमें से आप कोई भी रेंडमली यूज़ कर सकते हैं। अपने नाम की जीमेल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ से जीमेल अच्छी लगती है उसको कर लेना है यहाँ से कॉपी। मैं इसको करता हूँ कॉपी। यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने ये आएगी। आपने कॉपी ईमेल को क्लिक करना है। नीचे देखें ये कॉपी हो गई। अभी आपने चले जाना है जीमेल अकाउंट पे। यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है और जहाँ तक ये एट द रेट ऑफ आया हुआ है वहाँ तक आपने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, अगर एट द रेट ऑफ जीमेल वो आपके सामने आ गया, इसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। आपने अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड लगा देना है। मैं वैसे ही को लगा देता हूँ रैंडमली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे। यस आई एम इन। कोई आपसे क्या कहते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा। इस तरीके से आप जितना चाहें अपनी जीमेल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं या किसी और काम के लिए उसको इस्तेमाल करें। और अगर वही जीमेल मैं इसको लॉगिन करना चाहता हूँ, मतलब कि वही अकाउंट खोलना चाहता हूँ, आइकन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे देखें ये आ रहा है ताहिर नदीम। अभी आपने जो जीमेल पर तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये वही जीमेल लॉगिन है ताहिर नदीम वाली। ठीक हो गया, बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। आपने आना है दोबारा गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है क्विक लैब, QWIKLAABS क्विक लैब। जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। इसके बाद आपने क्लिक करना है ये ज्वाइन गो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये छोटी सी सेटिंग है, अगर आप ये झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो साइन इन विद गूगल कर लें। जो भी आपकी जीमेल इसके साथ लॉगिन होगी तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आना है ये एक्सप्लोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है, इसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। इसके बाद आपने आना है ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके ये लैब है, इस पर क्लिक करके आपने मिनिमाइज कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे ये ड्यूरेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप 1 to 8 आवर को क्लिक करके आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा दोबारा। इसके अलावा आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना किसी चीज़ को। अभी देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी 5 credit, 5 credit, 1 credit। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ फ्री लिखा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे टाइप करना है गूगल। अभी नीचे देखें कि ये आ रहा है जी, ये आ रहा है फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री आ रहा है। ठीक है, इसमें से एक चीज़ का ख्याल रहे कि जिनके साथ ये फ्री लिखा हुआ है और साथ कहीं ना कहीं गूगल का ऑप्शन लाजमी हो, जिस तरह गूगल शीट है, ये भी यूज़ गूगल फॉर्म वगैरह है, ये गूगल वर्क स्पेस है, जिनके साथ गूगल हो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, गूगल शीट्स है। आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने ये स्टार्ट लैब है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अभी देखें ये है यूज़ ईमेल और ये है इसका पासवर्ड। ठीक है, ये आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं और ये उसका पासवर्ड है। जहाँ भी आपका दिल करे अब आप इसको यूज़ करें, किसी वेबसाइट पे करना है, किसी ऐप पे करना है, कहीं भी यूज़ करना है, आपसे मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं मांगेगी। ये पूरी ईमेल है और साथ साथ इसके नीचे पासवर्ड है। इसी ईमेल को यहाँ से कॉपी करूँ, एक नया अकाउंट लॉगिन करके दिखाऊँ। यहाँ पे ऐड को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे करता हूँ साइन इन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद उसी जीमेल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगी। पासवर्ड कौन सा है, पासवर्ड यही वाला है। आप ये वाला पासवर्ड कॉपी करें और यहाँ पे आके पास इसको आप पेस्ट करें, देख भी सकते हैं वही पासवर्ड है, नेक्स्ट को क्लिक करें। जिस तरह हम जीमेल बनाते हैं आई अंडरस्टैंड, तो देखें आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्लिक करें, देखें ये अगर अकाउंट नंबर मैच करें तो आप नीचे देखें स्टूडेंट 02A38DA। ठीक है, यहाँ पे चले जाएं, ये देखें 02A38DA। ठीक है, ये वही जीमेल है आपकी, तो इससे अकाउंट भी जो है वो क्रिएट हो जाता है।
अभी चलते हैं चौथे तरीके की तरफ। हो सकता है कि इनमें से कुछ तरीके आप जानते हों और कुछ तरीके आपके लिए नए हों। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिलेगा अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो। गूगल पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे जीमेल जनरेटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे पहली पहली वेबसाइट आएगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने डॉट टेक वाली करनी है, नीचे वाली करनी है, आप किसी को भी रेंडमली यहाँ पे क्लिक कर देने, या ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा जी gmail.com वाली आपने करना है या gmail email.com वाली करना है। तो मैं कहता हूँ gmail.com वाली मैंने करनी है। आपने ये जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जी आप कितना जीमेल जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप 16,384 जीमेल जनरेट कर सकते हैं। इसके आखिर में यही बताऊंगा इसका पासवर्ड कौन सा होगा, ये आप बाद में लाजमी पूछोगे। तो मैं 1024 को क्लिक कर देता हूँ और जब जनरेट को क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखें जी, ये आपको 1000 के करीब आपकी ईमेल जनरेट हो चुकी है। यहाँ से करें कॉपी, नोटपैड में आप कहीं भी जाके इसको अपने पास सेव करके रख लें। अभी आती है इसके पासवर्ड के बारे, इसका पासवर्ड कौन सा होगा। इसका पासवर्ड वो होगा जिस ब्राउज़र से आपने गूगल को या जो भी आपके पास ब्राउज़र है लॉगिन किया हुआ है, जिस जीमेल के ज़रिए, जो उस जीमेल का पासवर्ड है, इन सब का पासवर्ड वही होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने जो भी लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे जो भी जीमेल लगाई हुई है, जो इस जीमेल का पासवर्ड है, इन सब का पासवर्ड वही होगा। अभी बढ़ते हैं मेथड नंबर 5 की तरफ। गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेम्प मेल, ठीक है। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टेम्प मेल है, ये भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक जीमेल दे देगा, यहाँ पे देखें ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके लिए एक जीमेल आ गई है, इसने पहले एक जीमेल क्रिएट करके आपको दे दी है। आप इस जीमेल को यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे क्लिक करें, इस जीमेल को कॉपी करें और इसको कहीं भी ऐप में, वेबसाइट में, जहाँ भी यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पासवर्ड होगा वो वही वाला होगा जिस आप जीमेल से उस ब्राउज़र में आपने लॉगिन किया होगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है इस जीमेल के साथ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यह है जी technicalchauhan1@gmail.com। जो इसका पासवर्ड होगा, इसका भी पासवर्ड वही होगा इस ईमेल का पासवर्ड, ठीक है। ये तो एक ईमेल है, आप ये नीचे रिफ्रेश को क्लिक करें तो ऊपर यहाँ पे नई ईमेल आ जाएगी, पहले वाली आपने यूज़ कर ली, लोडिंग हो रही है तो यहाँ पे दूसरी ईमेल आ जाएगी। ये देखिए अभी दूसरी ईमेल आ गई है, फिर रिफ्रेश करें या चेंज को क्लिक करें तो फिर एक नई जीमेल आ जाएगी, पासवर्ड उसका वही रहेगा। आप जितना वेबसाइट पे आप लॉगिन करना चाहते हैं इस ईमेल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर वो कोड वगैरह सेंड करेंगे तो इसका जो कोड है वो यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, आपको शो कर देगा कि जी कि जिस वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया है उन्होंने जो कोड मांगा है वो कोड ये वाला है, या जो भी मेल आएगी वो यहाँ पे शो करेगी उस कंपनी की तरफ से, आपके मेन जीमेल पे नहीं जाएगी, आप झंझट से बचे रहेंगे। तो ये था अनलिमिटेड जीमेल क्रिएट करने का तरीका बगैर मोबाइल वेरिफिकेशन के, बगैर फ़ोन नंबर के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।